हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायर विद अनुष्का। गाइस हाउ आर यू, होप यू ऑल आर फाइन। गाइस एक्चुअली आपको इस चैनल पे सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के लिए बायोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आपको वीडियोस इशू हो जाएंगे। एक्चुअली बस यू हैव टू डू व्हाट इज़ दैट अ सिंपल थिंग, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द रेड बटन वेयर द सब्सक्राइब इज रिटन एंड यू हैव टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। Because after doing that, you will be able to watch the upcoming videos also, and my previous videos will be also available to you. So guys, after doing this, we must have to start the topic. Just come back and pay attention on the topic. The topic for today is the infection and contagious diseases and their carriers. Today we will discuss about the कि क्या होते हैं इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के थ्रू कौन कौन से बीमारी होते हैं और उनके कैरियर कौन कौन से हैं, यानी किस चीज़ के थ्रू हमें कौन सा बीमारी होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ दी इन्फेक्शन थ्रू द इंसेक्ट, दैट व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ दैट आर कैरीड बाई द इंसेक्ट्स। द नंबर वन इज़ द मलेरिया that is carried by the Anopheles female mosquito, in which the number of platelets in the blood reduce and that's why the body becomes started to become yellowish and the person will feel too much tiredness and too much headache and joint pain also, and in this situation they will have to face during the morning and evening time the high fever. So these all are the symptoms of the malaria, and note it down that it is carried through the Anopheles female mosquito. The second one is the plague. Plague is spreaded through the rat flu. इसे rat flu भी कहते हैं। ये एक तरह का bacteria है जो कि चूहों के tissue में पाया जाता है। अगर चूहे मर जाते हैं या फिर अगर उनका डिकम्पोजिशन ठीक से नहीं हो पाता है तो फिर उनके बॉडी टिश्यू से ये ग्रो करते हैं प्लेग के जो इंसेक्ट्स हैं वो, और वहाँ से वो इंसानों में स्प्रेड होते हैं जिससे कि वाटर और फूड कंटामिनेटेड हो जाता है और उस जिसके थ्रू कि नॉर्मल पर्सन भी उसे कंज्यूम करते हैं और वो फिर सफ़र कर जाते हैं प्लेग से। सो ये एक महामारी टाइप की बीमारी होती है जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग कोरोना को फेस कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज़ दी सैंड फीवर, या फिर इसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, जिसमें पेशेंट हमेशा सोते रहता है और वो कोई और काम करने के लिए एबल नहीं हो पाता है। सो ये स्प्रेड होता है किससे, सैंड फ्लाई से, बालू मक्खी जो होती है, नॉर्मल हाउस फ्लाई जो है उसमें बालू मक्खी जो होती है उनके थ्रू ये सैंड फीवर जो होता है वो स्प्रेड होता है। द नेक्स्ट वन इज़ द काला जाड़, जिसमें शरीर का रंग काला हो जाता है और बहुत हाई फीवर होती है और पर्सन में बहुत सारा जॉइंट पेन होता है, हेडेक होती है और पेशेंट इज़ नॉट एबल टू जस्ट मूव देयर बॉडी फ्रॉम द बेड, और ये जो है ये फैलता है किससे, बेड बग से। बेड बग जो होते हैं उनके थ्रू कालाजार स्प्रेड होता है। ओके, द नेक्स्ट डिजीज इज़ द डेंगू फीवर। वी आर सो मच वेल नोन विद दिस थिंग्स बिकॉज डेंगू के बारे में बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम और बहुत सारा कैंपेन्स चल रहा है जिनके थ्रू हमने अवेयर किया जा रहा है जैसे कि हम लोग डेंगू से बचें, क्योंकि डेंगू फैलाने वाले जो क्विलिक्स मॉस्किटो हैं वो साफ पानी में पनपते हैं, तो कहीं भी बारिश के सीजन में अगर पानी स्टोर होता है तो उसमें मच्छर के लार्वाज जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, एंड आफ्टर डैट डेंगू फीवर स्प्रेड करने वाले क्विलिक्स मॉस्किटो का भी बर्थ होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ दी वाटर बॉर्न डिजीजेज, डैट इज़ कॉलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, हुक वॉर्म एंड द डायरिया, बिकॉज दिस द लार्वा ऑफ ऑल दिस थिंग्स ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स आर प्रजेंट इन द वाटर, दे कंटामिनेट्स द वाटर एंड थ्रू वाटर दे विल रीच इन साइड द पेशेंट। सो write it down, cholera, typhoid, dysentery, hookworm and diarrhea is the disease which is spreaded through the water. The next disease is the
डिजीज़ कॉज्ड बाय द कंटामिनेटेड फूड, यानी कि दूषित खाने के थ्रू कौन सा ऐसा बीमारी है जो हमें होती है, तो इसमें जो नाम आता है वो डैट इज़ द ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री एंड द माल्टा फीवर। ये जो कुछ बीमारियां हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, ये दूषित भोजन के थ्रू हमारे शरीर में आती हैं, और एक बार इनका हमारे शरीर में प्रवेश हो गया तब ये अपना पॉपुलेशन ग्रो करना स्टार्ट करती है। दे स्टार्टेड टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एंड इंक्रीजिंग देयर नंबर इनसाइड आवर बॉडी, एंड आवर बॉडी इज़ बिकम द होस्ट फॉर देम, एंड दे एब्जॉर्ब द ऑल द न्यूट्रिशन फ्रॉम हेयर, एंड दे हार्म ऑल द इम्यून सिस्टम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, सो द नेक्स्ट डिजीज़ इज़ द डिजीज़ कॉज्ड बाई द फिजिकल कॉन्टैक्ट। ओके, देयर आर ऑल्सो सम डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड इफ बी केम इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, नॉर्मल कॉन्टैक्ट, जस्ट इफ़ वी टच देम, इफ़ वी यूज़ देयर यूटेंसिल्स, ऑफ यू वी यूज देयर क्लोथ्स। सो दिस टाइप ऑफ डिजीज विच आर कॉज्ड बाई द फिजिकल कॉन्टैक्ट्स आर द स्मॉल पॉक्स, एड्स और द वेंड्रल डिजीजेज। दिस ऑल आर वॉट कॉम्युनिकेबल डिजीज, इफ वी केम इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट थ्रू एनी लीगल और इलीगल थिंग्स, we will become the sufferer of that disease. Okay, the next one is the disease caused by the wounded on skin. अगर किसी के body पर अगर कोई खुला घाव है physically बाहर जो आपको दिख रहा है, तो उनके through जो बीमारियाँ normal patient को हो सकती हैं वो है anthrax और tetanus. अगर किसी को टेटनेस है, एंथ्रैक्स, और उसके घाव जो है वो शरीर के ऊपरी हिस्से पे खुले हुए जगह में है, तो इसकी वजह से आपको एंथ्रैक्स और टेटनेस की बीमारी हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज़ दी सम ब्लड डिजीजेज, यानी ऐसे बीमारियों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे जो कि ब्लड के थ्रू एक नॉर्मल पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र होती है। डैट वन, द फर्स्ट वन इज़ द एनेमिया, अ कंडीशन वेयर द आरबीसी आर सीरियसली रिड्यूस्ड इन द नंबर और एल्स आर डिफिशियंस इन दी हेमोग्लोबिन। एनेमिया कब होती है? जब खून में आरबीसी की संख्या घट जाती है। आरबीसी क्या होते हैं? हेमोग्लोबिन उनमें प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में कैरी अप करने के लिए, यानी पूरे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में घटती है तो वी कॉमनली स्टार्ट टू गेटिंग बिकमिंग अ पेशेंट ऑफ एनेमिया। The second one is the blood disease is the leukemia, also known as the blood cancer. It is caused by the overproduction of WBC. WBC overrun the bone marrow and crowd out the RBC causing the anemia. इसमें क्या होता है कि पेशेंट की संख्या शरीर में क्या होता है, WBC जो कि न्यूट्रोफिल्स क्रिएट करते हैं जो कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उनकी संख्या बढ़ जाती है जो कि आरबीसी को फ्लो होने नहीं देते हैं और बोन मैरो को भी अफेक्ट करते हैं, जहाँ पे कि बहुत सारा नंबर ऑफ आरबीसी स्टोर हो जाता है। बिकॉज हमारे बॉडी में जो है वो आरबीसी की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, बट सॉरी मैंने अभी आरबीसी बार बार बोल दिया, आरबीसी की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, बट क्या होता है डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है ल्यूकेमिया में, और डब्ल्यूबीसी ही स्टोर हो जाता है बोन मैरो के पास, जो कि अफेक्ट करता है आरबीसी के मूवमेंट और फ्लो को। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी करके पूरे बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसके कारण कि शरीर एनेमिया जैसे रोग से पीड़ित हो जाता है और ये ब्लड कैंसर की बीमारी का रूप ले लेता है आगे चलकर, और जिससे हम लोग ल्यूकेमिया नाम दे देते हैं। द नेक्स्ट वन इज थ्रोम्बोसाइटोपेन्स, अ कंडीशन वेयर देयर इज़ नो टू फ्यू प्लेटलेट्स इन द बॉडी। अगर आपके बॉडी से सारे प्लेटलेट्स ख़त्म हो जाते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या अगर बहुत घट जाती है, तो थ्रोम्बोसाइटोपेन्स आपको हो जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ द हेमोफीलिया। हेमोफीलिया एक अनुवांशिक डिजीज़ है, यानी कि हेरिडिट्री डिजीज़ है, जिसमें कि जो कि हमारे पेरेंट्स से हमें होता है, यानी कि ये जनरेशन टू जनरेशन कैरी होते हैं। और इसमें क्या होता है कि ब्लड्स की जो क्लॉटिंग का टाइम है, ब्लड क्लॉटिंग का टाइम जो है वो घट जाता है, बिकॉज हमारे शरीर से प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाती है। इस पेशेंट को हमेशा ब्लड से सारे ब्लड में चार कॉम्पोनेंट्स होते हैं, WBC, RBC, फिर प्लाज्मा
एंड प्लेटलेट्स. तो पेशेंट को क्या होता है, सिर्फ प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है बिकॉज प्लेटलेट्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएट बिकॉज दे हैव फाइब्रिनोजेन एंड दे आर बी एबल टू क्लॉट और ब्लॉक दी पार्ट्स इफ देयर इज एनी कट और उंड ऑन द बॉडी एंड द थिंक ऑफ द टाइम इफ द ब्लड विल नॉट क्लॉट एंड एवरी ड्रॉप ऑफ द ब्लड विल फ्लो आउट फ्रॉम अ सिंगल वुंड. सो दिस इज़ अ वेरी सीवियर प्रॉब्लम एंड द पेशेंट ऑफ दिस डज नॉट हैव एनी परमानेंट क्योर. एक्चुअली दिस इज द हेरिडिटरी डिजीज. इफ द चाइल्ड इज प्रिडिक्टेड इन द स्मॉल टाइम और द इन्फेंट टाइम देन समथिंग कैन बी डन बट इफ द टाइम हैज़ क्रॉस्ड देन नथिंग नो वन कैन डू एनीथिंग. द पेशेंट कैन नॉट बी सेव्ड. मोस्ट ऑफ द टाइम मेल्स आर सफरिंग. Only males are suffering from this disease. The females are just the carriers. They will carry the disease but they will not suffer from it. But the male will suffer from it because this disease is always present on the Y chromosome of the male partner. Or the X, only on the single one. Okay. The next disease is the hemorrhea. Hemorrhea is me loss of blood from the blood vessels which may be form the external wounds or occur in the tissues or escape in the body cavity. जिसमें क्या होता है कि ब्लड जो होते हैं हेमरेज जो होता है उसमें क्या होता है आपको ब्लड जो होते हैं वो अपने डक्ट्स अपने जो नसें होती हैं उनमें फ्लो करने की बजाय क्या होते हैं नसें कहीं से खुल जाती हैं या फिर कहीं से फट जाती हैं जिनसे कि ब्लड जो होता है वो पूरे नॉर्मल बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाता है. हाई प्रेशर पे जब भी ब्लड फ्लो होता है नसें काम करना बंद कर देती हैं और वो ब्लड जो है ओपन एरिया में ऐसे ही खुले में ही फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से कि ब्लड का एक बहुत बड़ा क्लॉट बन जाता है एंड दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ हैमरेज. ओके सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज टॉपिक. होप यू ऑल हैव लाइक दिस सेशन. एक्चुअली आई हैव ट्राई टू इंक्लूड एवरी टाइप ऑफ डिजीज इन साइड दिस विच आर आइदर क्रिएटेड बाई एनी कैरियर और क्रिएटेड बाई प्रोटोजोआ बैक्टीरिया और इन्फेक्टेड थ्रू एनी ऑफ दिस थिंग्स. सो गाइज इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन सो डैट आई कैन ऑल्सो बी inspired to create some more videos just like this because these all things are very valuable and knowledgeable. Once you cannot get all these things collected in a whole in a single video but I have done so many walks for you and collected all this information for you. So guys please if you like this session then please press the like button, share it with your friends, subscribe my channel and thank you so much for giving your attention and love to me. Thanks guys, love you.